नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मित्रों, आज हम बात करेंगे वाहन के बारे में कि आप अपने घर में वाहन को कहां पर खड़ा करें। वास्तु शास्त्र ऊर्जा का विज्ञान है। इसके सभी कोण अपने आप में एक एक ऊर्जाएं रखे हुए हैं। जैसे ईशान कोण जल की ऊर्जा को रखे हुए है, वहीं पर वायव्य कोण वायु की ऊर्जा को, नैऋत्य कोण पृथ्वी की ऊर्जा को, अग्नि कोण अग्नि की ऊर्जा को। वाहन चलता फिरता हुआ साधन है, अर्थात मूवमेंट का प्रतीक है। इसलिए शास्त्रों में निर्विवाद रूप से वायव्य कोण पर भी ही गाड़ी खड़ी करने की बात कही गई है। कहा जाता है इस कोण पर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो मूवमेंट के लिए आवश्यक है। इसीलिए इस वायव्य कोण अर्थात उत्तर और पश्चिम के कोने पर अतिथि घर भी बनाया जाता है। अगर आपकी दुकान में माल नहीं बिक रहा है तो दुकान के उत्तर और पश्चिम कोने पर आप माल को रखते हैं तो वह माल तेजी से निकलना शुरू होगा। कारण यह है कि यहाँ की ऊर्जा वायव्य प्रभावित होती है, अर्थात वात से प्रभावित होती है। और वात का मतलब है किसी चीज में अस्थिरता, मूवमेंट होना। जैसे कहा जाता है जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनको घर के वायव्य कोण अर्थात उत्तर और पश्चिम के कोने पर सोना उचित होता है। इसी अनुसार यहाँ पर अगर आप वाहन को रखते हैं तो यह घर के वास्तु के वायव्य कोण की ऊर्जा को बैलेंस करता है। लेकिन बहुत से लोग हैं एग्जैक्ट इसी कोण पर वाहन खड़ा नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो और दिशाओं में करेंगे तो उसकी क्या प्रभाव होंगे। मित्रों, वाहन आप लगभग और भी दिशाओं में भी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वाहन एक ऐसा साधन है जिसको लगातार नहीं खड़ा करना है। अगर आप वायव्य कोण पर भी गाड़ी अपनी लगातार खड़ी करते हैं तो आपके लिए वह नुकसानदेह है। गाड़ी को बराबर अगर बाहर निकालना और अंदर करते रहते हैं तो यह ब्रह्म स्थान के अलावा लगभग सभी कोणों पे आप कभी कभी गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे शर्त यह है कि आप गाड़ी को बराबर आगे पीछे या उसको बाहर निकालते जरूर रहिए। नैऋत्य कोण पर गाड़ी जब आप खड़ी करेंगे तो नैऋत्य कोण पृथ्वी का स्थान है। इस कोण पर गाड़ी आप खड़ी करने को कर दीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि कहीं न कहीं आप इस कोण पर जब खड़ी करेंगे वाहन तो आपका बेडरूम नहीं रह जाएगा। यह वास्तु पुरुष का पैर है, यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ बेडरूम होता है। आपने गैरेज बना दिया तो जाहिर सी बात है कि जब तक गाड़ी खड़ी रहेगी तब तक तो वहाँ पर चीज़ें बैलेंसिंग रहेंगी, गाड़ी का वजन रहेगा। लेकिन गाड़ी जाने के बाद आप देखेंगे वहाँ पर वजन कम हो जाना, साथ में आप वहाँ पर विश्राम नहीं कर पाएंगे, साथ में वहाँ पर वाहन आकर खड़ा रहेगा जो कहीं न कहीं वहाँ की ऊर्जा के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। यही बात हम जब करते हैं ईशान कोण के लिए, काल पुरुष का सर यहाँ पर आता है। सर पर वाहन का खड़ा करना एक अर्थों में माना जाता है कि अगर आप गाड़ी को ले जाते हैं फिर ले आते हैं वो उतना ख़राब नहीं माना जाता है। माना जाता है कि कहीं न कहीं वाहन सर दर्द अर्थात जैसे सर बार काल पुरुष का जो सर है उसको हल्के हल्के प्रभाव से दबाया जा रहा है, क्योंकि वाहन का वजन इतना ज़्यादा नहीं होता और वो बार बार आना जाना उसके लिए सुखद होता है। लेकिन जरा सा भी आपने वाहन को लंबे समय तक खड़ा कर दिया तो यह आपके घर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आपके घर में दिमागी कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी, लोगों में मानसिक बेचैनी होने लगेगी, कन्फ्यूजन और चिड़चिड़ापन आने लगेगा। पश्चिम दिशा में आप जब वाहन को खड़ा करते हैं तो पश्चिम की दिशा शनि की दिशा है। यहाँ पर वाहन को जब आप खड़ा करते हैं तो शनि लोहे के कारक हैं, कहीं न कहीं वात के भी कारक शनि को माना जाता है। यहाँ पर गाड़ी रहने से जातक को सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन वाहन के साथ ये जो नियम है यह बड़ा व्यवहारिक नियम है। अभी आप किसी इंजीनियर से पूछेंगे कि गाड़ी कई महीनों से खड़ी है तो उनके मन में पहला विचार आएगा
गाड़ी ज़्यादा लंबी खड़ी होने से उसके इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उनमें कमी आने लगती है। इलेक्ट्रॉनिक तौर से ही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अगर ज़्यादा देर तक नहीं चलाई जाती हैं तो धीरे धीरे उनके पार्ट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। इस बात को हमारे मनीषियों ने पहले से ही जाना था, इसीलिए सारे चिंतन के बाद उन्होंने कहा कि अगर गाड़ी को खड़ी करना है तो सबसे श्रेष्ठ स्थान कोई है तो वह वायव्य कोण अर्थात उत्तर और पश्चिम का। अग्निकोण पर भी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें पाई जाती हैं, एनर्जी क्रिएट होता है, लेकिन एनर्जी की अधिकता होने के नाते वाहन में कोई न कोई खराबी आने की संभावना भी वहां पर रहती है जो गाड़ी के लिए अच्छी नहीं होती है। साथ में जब आप वहाँ पर गैरेज करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना किचन आप अग्निकोण से मिस कर जाएंगे। तो तमाम चिंतन और मंथन के बाद वाहन को अगर आप कहीं सबसे ज़्यादा अच्छा पाते हैं तो पश्चिम या पश्चिम उत्तर के कोने पर। हाँ, पूरब उत्तर के कोने पर आप छोटे वाहन कार तक के वाहन को आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी कार है और बड़ी वाहन है जैसे ट्रक वगैरह हैं, बड़े जो वाहन हैं उनको तो बिल्कुल ही आप ना खड़ा करें। जो आपके काल पुरुष अर्थात जो आपका वास्तु पुरुष है उसके लिए अच्छा नहीं होगा, वजनी सामान यहाँ पर आना अच्छा नहीं माना जाता। कब और जो छोटे वाहन भी हैं जैसे छोटे कार छोट बाइक है अगर यहाँ पर है तो उसको भी बराबर आप ले आते रहें, उसको लगातार आप वहाँ खड़ा करेंगे तो आपका वाहन भी ख़राब होगा, साथ में घर में रहने वाले लोगों के मानसिक स्थिति पे असर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है घर के सेंटर पॉइंट में भूल कर भी कभी आप गैरेज ना बनवाएं, यह वास्तु पुरुष के ब्रह्म स्थान की सूचना देता है क्योंकि आपकी गाड़ी दूर दूर से टहल कर दूर दूर से आती है, वजन भी रहता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान रहता है, तो ब्रह्म स्थान को शुद्ध और साफ सुथरा माना जाता है। यहाँ पर जब आप गाड़ी को खड़ा करेंगे तो कहीं न कहीं से आपके वास्तु पुरुष का नाभि स्थान अर्थात पेट खराब होगा और आप जानते हैं कि आपकी सारी बीमारियों का कारण कहीं न कहीं से आपका पेट ही होता है। पेट के साथ साथ ब्रह्म स्थान को सुख और समृद्धि का भी कारक माना जाता है तो आपके घर में सुख और समृद्धि की कमी पाई जाएगी। तो आज हमने इस वीडियो में चिंतन किया कि हम अगर पूरब उत्तर में गाड़ी को खड़ा करते हैं तो क्या होता है, उत्तर पश्चिम में खड़ा करते हैं तो क्या होता है, दक्षिण और पश्चिम में खड़ा करते हैं तो क्या होता है, और पूरब दक्षिण में खड़ा करते हैं तो क्या होता है, आप ब्रह्म स्थान में खड़ा करते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली पश्चिम और वायव्य कोण ईशांत कोण इन तीन चार जगहों पे आप वाहन को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वाहन को कहीं भी खड़ा करें मूवमेंट होना उसमें ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जब अपने मूल ऊर्जा से विचलित होती है तो वह उस वस्तु के लिए भी उचित नहीं है और जहाँ पर उसको खड़ा किया गया उस स्थान के लिए भी वह उचित नहीं है। जैसे बालकों में वायु तत्व की प्रधानता होती है, अगर आपका बालक बहुत सुस्त रह रहा है, वो मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर रहा है तो आपको उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर बालक खूब मूवमेंट कर रहा है, शैतानी कर रहा है, दौड़ धूप रहा है तो नॉर्मल है क्योंकि बालक मूवमेंट करना ही चाहिए क्योंकि यह वात की बेला है अर्थात उसके अंदर अस्थिरता होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वास्तु से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो दिए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के वीडियोज अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।